सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए पैनल ऑडिट की एमसीक्यू की वीडियो सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम कवर करने वाले हैं एंटायर एमसीक्यू ऑफ द सीए पैनल ऑडिट, चाहे वो बीएस पोर्टल के हो, स्टडी मैट के हो, आरटीपी के हो, एमटीपी के हो, आईसीआई के ओल्ड वाली बुकलेट के हो, या फिर आईसीआई के सैंपल पेपर्स के हो। हमने यहाँ पे बनाया एक मैजिक एमसीक्यू बैंक जिसके अंदर 100% एमसीक्यू कवर है, राइट, वो भी चैप्टर वाइज। प्लस साथ में आपको मिलेगी स्केल साथ में एक एमसीक्यू अंदर लिमिट बेस समरी, जिसके अंदर सारे एमसीक्यू की समरी है, सारी लिमिट बेस समरी है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो खाली आप उसको रेफर कर सकते हैं, आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे ओनली इन द 2 आवर्स, राइट। अगर आपको चाहिए इस बुक की हार्ड कॉपी एंड द सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर shivamnagpaclasses.com पर, या फिर magicwala.com पर, या फिर हमारा एक ऐप भी है विद द नेम ऑफ मैजिक वाला के नाम से, मैजिक वाला WALLAH, जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, आप इसको वहां से बाय कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, राइट। चलिएगा, आज हम कवर कर रहे हैं द चैप्टर नेम डिजिटल ऑडिट एंड द बैंक ऑडिट, ओके। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर इसको आज हम कंप्लीट कर देते हैं। कर दिया आपने लाइक, ठीक है, अब देखते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द डिजिटल ऑडिट विद द क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1। एबीसी लिमिटेड यूज कर रही है यहां पे सीआरएम सिस्टम। बाय सीआरएम मींस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम टू पंच द सेल्स ऑर्डर इन द सिस्टम। ऑन एन आवरली बेसिस ऑल द सेल्स ऑर्डर वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सीआरएम टू द सेफ। जो इनका सीआरएम का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है जो ऑर्डर आए हैं टू द सैप के अंदर, ताकि उसकी जो डिलीवरी है, जो आइटम बाय की गई है उसको हम सेंड करें कस्टमर को, उसकी इनवॉइसिंग भी कर दे। तो यहां पे कौन सी आईटी डिपेंडेंसी आती है, यहां पे कौन सी आईटी डिपेंडेंसी आती है, दिस इज द क्वेश्चन, याद कीजिएगा। हमने क्लास में स्टडी किया था, दे आर 5 टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंस, जिसको हम बोलते हैं सी एस ए आई आर, राइट। तो इसमें एक होता है इंटरफेस के नाम से, इंटरफेसेस। इसमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम लॉजिक है जो ट्रांसफर कर देता है डाटा फ्रॉम द वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। सो दिस इज द आईटी डिपेंडेंसी विद द नेम ऑफ द इंटरफेसेस, ओके, दिस शुड बी आंसर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर आता है, देखिएगा। सो इंटरफेस पहले वाला ही आंसर है, तो यहां पर ए ही आंसर रहेगा, बाकी आंसर रिपोर्ट वगैरह ऑटोमेटिक कंट्रोल वगैरह सब कुछ गलत है, द आंसर इज करेक्ट है। चलिए हमारी समरी से पढ़ लें इसको, साथ में समरी से देख लेते हैं। समरी क्या बोलती है इसके बारे में, समरी बोलती है कि जो सीआरएम यूज कर रहे हैं वो ट्रांसफर कर डाटा यहां पर बाय सीआरएम टू द सैप। तो यहां पर कौन सी डिपेंडेंसी है, यहां पर हमारी इंटरफेस वाली। तो हमने साथ में थोड़ी यहाँ पे डिटेल भी डाल दी है जो हमारी बुक के अंदर थी, कि यहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं डाटा को फ्रॉम द वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। जस्ट लाइक एग्जांपल दे दिया है, ऐसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं सब लेजर से लेकर, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, जनरल लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, इज इट क्लियर। चलिए हम चलते हैं सेकेंड एमसीक्यू के ऊपर, यहाँ पे देखिएगा। सो एमसीक्यू नंबर 2, एबीसी लिमिटेड इज डेवलपिंग द कंट्रोल्स टू एंश्योर दैट द एक्सेस टू प्रोग्राम एंड द डाटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड द ऑथराइज टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव विच अमंग्स द मेंशन कंट्रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सेस मैनेजमेंट डोमेन। ताकि कोई जो हमारा डाटा वगैरह है उसको कोई गलत तरीके से एक्सेस ना कर ले, इसको हमने अलाउ नहीं किया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो इसका पार्ट नहीं होगा आपको गलत अगर चूज करना है इसके लिए, राइट। ट्रांजेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द सेंसिटिव जेनरिक आईडी आर मॉनिटर। कौन एडमिन है, कौन इसमें इंटरफेस कर रहा है, कौन इसमें यूज कर रहा है, उसको हमको मॉनिटर करना होगा। यस, ये तो उसका आंसर होगा, क्या नहीं होगा आपको चूज करना है इसके अंदर से, क्या नहीं है कंट्रोल इसका। डेवलपमेंट टेस्टिंग प्रोडक्शन एनवायरमेंट आर एप्रोप्रिएटली सेग्रीगेटेड। एक्सेस राइट टू द एप्लीकेशन आर पीरियोडिकली मॉनिटर्ड फॉर द एप्रोप्रिएटनेस। यस, जो आपका एक्सेस राइट है कि जो आपको लॉगिन दिया गया है हमने सही पर्सन को दिया है, हमको मॉनिटर करना होगा, ये भी ठीक है। एक्सेस ऑफ टर्मिनेटेड यूजर इज रिमूव्ड ऑन टाइमली बेसिस। एक पर्सन जॉब छोड़ गया है तो उसका जो एक्सेस है उसको बाद में रिमूव कर देना चाहिए,
ये भी ठीक है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला था ये वाला कि डेवलप करना, टेस्ट करना, प्रोडक्शन एनवायरमेंट आर एप्रोप्रिएटली सेग्रीगेटेड, तो ये इसका कंट्रोल नहीं है फॉर द एक्सेस मैनेजमेंट, राइट। सो बी इज आंसर हियर। चलिए पढ़ लेते हैं हमारी समरी से भी। यहां पर देखिए हमने पूरा डाल दिया, यहां पर सारे पॉइंट डाल दिए हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप आपको लगेगा सारे आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर सारे आंसर डाल दिए हैं, तो इसमें आंसर जो होगा बी वाला होगा। इज इट क्लियर? ये कैटेगरी का इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, सिलेक्ट द वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से क्या नहीं है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी? क्या मीटावर्स होता है? यस, मीटावर्स उसमें आता है। क्या आता है उसके अंदर मेनली? उसमें आता है ड्रोन टेक्नोलॉजी, मीटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। ड्रोन उसमें आएगा, वर्चुअल रियलिटी उसमें आती है, उसमें आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, लेकिन जो माइक्रोज है, स्क्रिप्ट है, वो उसमें नहीं आता। आपने पढ़ा ही होगा, हमारी बुक में भी गिवन है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ साथ साथ के अंदर। यहाँ पे देखिएगा, वन सेकेंड, ये काफी नीचे आ गया। वन सेकेंड, हो गया बस। यहां देखिएगा, ये सारे क्या है हमारे नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट के पार्ट हैं। क्या होगा इसके अंदर? ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड द मेटावर्स, ये चार आते हैं, लेकिन जो हमारा मैक्रोज वाला था यहां पर वो नहीं आता, ये नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा यहां पर। क्लियर है आपको? मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर ये होता क्या है। मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट्स, द मैक्रोज आर द फ्रीक्वेंट रिकॉर्डेड बाय द टेलिंग ए प्रोग्राम, सॉरी हाँ यस, व्हाट एवरीथिंग, वॉच एवरीथिंग दैट आई डू एंड देन परफॉर्म द एक्शन, वेयर एज स्क्रिप्ट आर जनरली एंटर्ड एज ए टेक्स्ट इन द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्ट आपको क्लियर है, लेकिन जो मैक्रोज होता है हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं यहाँ पे बाय टेलिंग ए प्रोग्राम, विच एवरीथिंग दैट आई डू एंड द प्रोग्राम देन द परफॉर्मिंग द एक्शन। हम सिस्टम में एक प्रोग्राम डाल देते हैं कि ऐसा करना है, तो बाद में उसको वैसा रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रोज। वो उसका पार्ट नहीं है, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कवर नहीं होता यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, राइट, उसमें कवर नहीं होता। आगे चलते हैं। वट आर द थ्री स्टेजेस ऑफ द साइबर रिस्क, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, इसमें होती हमारी थ्री स्टेजेस। ओके, डायरेक्टली बुक में देखेंगे फिर यहाँ पे पढ़ेंगे आंसर यहाँ पे। तीन स्टेज हमारी यहां पे कौन सी आती है? पहला यहां पे आएगा हमारा स्टेजेस ऑफ द साइबर रिस्क, रिस्को हम असेस करेंगे, रिस्को हम असेस करेंगे जो हमने ऊपर देखे यहां पर जो ऊपर दिए गए हैं हमारी बुक के अंदर कि जो हमारे टाइप ऑफ रिस्क होते हैं साइबर वाले। फिर इसका हम देखें इसका इंपैक्ट क्या आएगा हमारे बिजनेस के ऊपर, जो हमारे वर्क के ऊपर, देन उसको हम मैनेज करेंगे। तो असेस करना, इंपैक्ट क्या आएगा वो देखना, देन उसको मैनेज करना। तो क्या होगा? ए आई एम, एम हो गया हमारा एम, राइट। देखिएगा, सो असेस करना, इंपैक्ट क्या आएगा, देन उसको मैनेज करना, पहले वाला ये आंसर है, डायरेक्ट आंसर है ये तो, राइट। समरी से देख ले, लिमिट वाली समरी से, ये क्लियर था आपको? नाउ सीक्वेंस ऑफ द थ्री स्टेजेस ऑफ द साइबर रिस्क, असेस, इंपैक्ट एंड मैनेज, एम आप बोल सकते हैं एम इसको। ओके चलेगा, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5 पे आते हैं। ए कंपनी एक्स हैज इन्वेंटेड और इन्वेस्टेड ऑन द ऑटोमेशन एंड वर्किंग टुवर्ड द डिजिटल ऑडिट बाय सेटिंग अप द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू एम्ब्रेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू थिंक इज इट चैलेंज व्हेन कम टू द डिजिटल ऑडिट। यहां पे कौन सा चैलेंज आता है देख लेते हैं। इंफॉर्म्ड डिसीजन, दिस इज एडवांटेजेस, दिस इज द की फीचर। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो की फीचर एंड एडवांटेजेस। इंक्रीज एफिशिएंसी, अगेन दिस इज एडवांटेज। क्या इसका एडवांटेज नहीं है, क्या इसका चैलेंज है? चैलेंज होगा डाटा सिक्योरिटी। अगर हम ऑनलाइन जा रहे हैं तो यहाँ पे जो डाटा वगैरह होता है उसको सिक्योर रखना काफी डिफिकल्ट होता है, काफी डाटा वगैरह यहाँ पर जो
इस पर साइबर अटैक हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं साइबर अटैक हो सकते हैं, तो इसको सिक्योरिटी को मेंटेन रखना इज ए चैलेंज। ओके नाउ समझ से पढ़ लें क्या होगा डाटा सिक्योरिटी हमारा यहां पर, जो इसमें एक चैलेंज रहेगा। आगे देखते हैं। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आरपीए, आरपीए फुल फॉर्म क्या होती है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये तो बिल्कुल डेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं राइट। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। नाउ मिस्टर ए इज स्टार्टिंग एन ऑडिट ऑफ द कंपनी एक्स, ही वांट टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट टू व्हिच द कंपनी लाइज अपॉन द आईटी, व्हाट आर द थ्री स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरमेंट। क्या होते हैं थ्री स्टेजेस यहां पर, ये तो आपका पहले भी रह चुका है ना, जो आपका ओल्ड वाला कोर्स था, मतलब अभी तो न्यू कोर्स आ चुका है। इस चैप्टर स्टार्टिंग में गिवन है कि हम क्या करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर असेस करते हैं। अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई असेस यूआईए, तो क्या होगा अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई असेस यूआईए, द आंसर विल बी डी है राइट। सिंपल है ये भी। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज इट इज द फॉर्म ऑफ द स्पूफिंग वेयर एन अटैकर इंपर्सोनेट ए नॉन बिजनेस और ए पर्सन विद द फेक वेबसाइट और द डोमेन टू फूल द पीपल विद द ट्रस्टिंग देम, ए फेक डोमेन का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, स्पूफिंग नहीं होता, ट्रोजन भी नहीं होता, स्पाइलेस मालवेयर भी नहीं होता, क्योंकि जो सिस्टम में आता है ना भाई ईमेल वगैरह आते हैं, आप बोल सकते हैं ये होता है डोमेन स्पूफिंग। अगर आपने पढ़ा होगा बुक के अंदर, इन्होंने बता भी दिया डोमेन का नाम यहाँ पे लिख राइट। सो आंसर इज डी है। चलिएगा समझ में सेम ही है, इसमें कुछ समझने से पास खास नहीं पढ़ने वाला, ये तीन चीज होती है मार्टी में देख लिया, इसमें क्या आएगा डोमेन स्पूफिंग आ जाएगा। ओके ओके आगे देख लेते हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज एमसीक्यू नंबर 9, सिलेक्ट द वन ऑप्शन विच यू थिंक इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द ऑडिटिंग डिजिटली, इसका एडवांटेज कौन सा नहीं है। अगर हम ऑडिट करते हैं डिजिटली तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है, बिल्कुल होती है, ऑटोमेशन होता है, ईज होती है, बिल्कुल होता है, जो हमारी डिपेंडेंसी है ह्यूमन पर वो कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो रिलक्टेंस टू चेंज है, दैट मीन जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे साथ वर्कर वर्क कर रहे हैं, वो चेंज इसको सेट इजिली नहीं कर पाते हैं, कईयों की चली जाएगी जॉब इसकी वजह से, अगर हम मशीन का यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट होते हैं। तो क्या होगा, ये होगा डिसएडवांटेजेस। ओके तो सी इसका आंसर होगा, दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द डिजिटल ऑडिटिंग राइट। तो सी इज आंसर है, लिमिट में देख रहे हैं समरी में क्या बोल रहे हैं, नॉट एन एडवांटेज ऑफ द ऑडिटिंग डिजिटली, दैट इज द रिलक्टेंस टू द चेंज। ओके चलिएगा नेक्स्ट एमसीक्यू को देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चैलेंज इन अडेप्टिंग द डिजिटल ऑडिट, क्या चैलेंज नहीं है इसके अंदर से, टारगेटिंग द राइट प्रोसेस, दिस इज ए की फॉर द सक्सेसफुल ऑटोमेशन। यस आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बॉन्ड पे बात हो रही है, ये बात हो रही है जो कंपनी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रही है, जो ऑटोमेशन करने जा रही है, जो कंपनी ऑटोमेशन करने जा रही है। तो ऑटोमेशन करने से पहले आपके सामने आते हैं कुछ चैलेंजेस, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको डिसाइड करना है कि आपने किस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। हम सभी प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं कर सकते, तो आपको सही को चूज करना होगा, ये चैलेंज है आपको चूज करने की, कौन चैलेंज नहीं है यहाँ पर, कौन सा नहीं है। गवर्नेंस, डाटा सिक्योरिटी, यस ये हमको देखना होता है कि इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट, ये आपका जो रिस्क असेसमेंट है वो इंप्रूव हो जाता है, दिस इज ए नॉट अ चैलेंज, नॉट अ चैलेंज, तो आपका ये आंसर होगा। आप जान लोगे कि क्या बेनिफिट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, वांट टू अचीव द ऑटोमेशन, हम क्यों कर रहे हैं ऑटोमेशन, दिस इज आल्सो ए चैलेंज। लेकिन जो इंप्रूव रिस्क असेसमेंट है ये इसका एक चैलेंज नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल डेड क्वेश्चन है। अगर आप बुक में देखोगे सारे पॉइंट मिलेंगे, उसमें ये पॉइंट नहीं मिलेगा राइट। तो आंसर क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम आगे समरी से देख लेते हैं। नाउ विच इज द नोट द चैलेंज इन अडेप्टिंग द डिजिटल ऑडिट, इंप्रूव रिस्क असेसमेंट। ओके ओके नाउ इट इज ए टाइप ऑफ ए साइबर अटैक दैट लीवरेज द डोमेन नेम सिस्टम क्वेरीज एंड द रिस्पॉन्स टू द बाईपास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर एंड द
ट्रांसमिट द डाटा द कोड इन द नेटवर्क. क्या बोल रहे हैं यहां पर, क्या कहानियां गा रहे हैं? देखिए इसमें होता क्या है कि इसका आंसर होगा डीएनएस टनलिंग. वाई, ऐसा क्यों होगा? जो यहां पर बात बोली जा रही है इसमें क्या बोल रहे हैं कि पहले समझिए कि डीएनएस होता क्या है. डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं इसको, डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं. जैसा कि आपके फोन में एक होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है जिसके अंदर सबके नाम होंगे, नंबर होंगे. तो आप फोन करें अपने पापा को, तो आपने नेम सर्च किया पापा और आपने उनको कॉल कर दिया. जो फोन मिल रहा है वो आपके पापा को नहीं मिल रहा है, पापा जस्ट नेम है वहां पे, जो उनका नंबर है ना यहाँ पे 10 नंबर का कॉल उस पर मिल रहा है. ओके, वैसे ही यहाँ पे होता है डोमेन नेम सिस्टम. इनकेस ऑफ वेबसाइट, जो वेबसाइट का नेम है www.shivamnapaclasses.com या फिर magicwala.com, ये सारे क्या है? जस्ट नाम है, जैसे आपके पापा का नाम है. लेकिन जब आप सर्च करते हैं इस वेबसाइट का नाम तो आप नाम पे नहीं जाते हैं, आप जाओगे उसके एड्रेस पर जो 192/123 ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस. ओके, वो नाम बस उसको एक डायरेक्शन देने के लिए होता है जो उसका एड्रेस होता है उससे, राइट. तो वो इसको हैक कर लेते हैं. जो हैकर होते हैं यहां बात की जा रही साइबर अटैक के अंदर, वो इसको हैक कर लेते हैं. आप जा रहे हैं shivamnapaclasses.com पर, आपने सर्च किया लेकिन आप उस पर नहीं जाओगे, जो उसका एड्रेस है उसको वो कहीं और शिफ्ट कर देंगे. वो आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाएंगे, आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाएंगे. वो डोमेन नेम सिस्टम क्वेरीज एंड रिस्पॉन्ड टू द बाईपास द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड ट्रांसमिट द डाटा एंड कोड विद इन द नेटवर्क. वो आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाएंगे. इसको हम बोलते हैं डीएनएस टनलिंग बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है. ओके, मैंने क्लास में बताया था आपको, द आंसर इज बी है. लिमिट से पढ़ लें, देखिएगा सेम बात बोली जा रही है. इसका आंसर क्या होगा? डीएनएस टनलिंग. और कुछ खास नहीं है इसके अंदर. आगे चलते हैं. नाउ एमसीक्यू नंबर 12 पे आते हैं. नेम द टाइप ऑफ साइबर अटैक विच ओवरवेलम द टारगेट सिस्टम सो दैट इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द लेजिटिमेट रिक्वेस्ट. इन सच केस द टारगेट साइट इज फ्लडेड विद द इललेजिटिमेट सर्विसेज रिक्वेस्ट. ऐसा कि जब सीए का रिजल्ट आता है, जब सीए का रिजल्ट आता है तो आईसीआई वेबसाइट पे क्या होता है, सारी वेबसाइट हैंग हो जाती है, वर्क ही नहीं करती है, ओपन नहीं हो पाती है. आप बोलते हैं सर्वर डाउन हो जाता है उसका. सेम ऐसे होता है, जो वाला अटैक है यहाँ पे, जो अटैक ऐसे करते हैं कि जो वेबसाइट है, जो उनका सिस्टम है कंपनी का, वो वर्क करना कुछ समय के लिए बंद कर देता है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज. जो आपका सिस्टम है वर्क नहीं कर पाता. ये रैंसमवेयर नहीं होता, इसमें जो सामने वाला पर्सन है वो फिरौती मांगता है. रैंसम का मीनिंग होता है फिरौती, लेकिन यहाँ पे कोई फिरौती नहीं मांगी जाती. उसका पर्पज ही आपका टाइम वेस्ट करना है. यहाँ पर अगर जो अमेजोन की वेबसाइट है उस पर ये होता है तो अमेजोन का एक घंटे के अंदर लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर वो सेल नहीं कर पाएगा तो एक घंटे के अंदर, राइट. तो इसका आंसर होगा डिनाइल ऑफ द सर्विसेज, सी आंसर यहां पर, राइट. आगे चलते हैं. नाउ मिस्टर जेड इज ए फॉर्मर एम्प्लॉई ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड हिज टर्मिनेशन वॉज नॉट टाइमली एग्जीक्यूटेड एंड देर वॉज डिले इन द टर्मिनेशन बिकॉज ऑफ विच ही हैड द डायरेक्ट एक्सेस टू द कंपनी नेटवर्क. टर्मिनेशन बिल होने में देर हो चुकी है, टर्मिनेट कर चुके हैं, लेकिन जो सिस्टम एक्सेस है उसके पास अभी भी है यहाँ पर. तो क्या करेगा, उसे इंटरफेयर करेगा यहाँ पर फालतू में. तो यहाँ पे क्या अटैक हो सकता है? आईओटी बेस्ड अटैक होगा? नहीं, यहाँ पे कोई डिवाइस थोड़ी कनेक्ट है. यहाँ पर स्मिशिंग नहीं होगा, मालवेयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा इनसाइडर अटैक, जिसको आप बोलोगे आप घर का बेदी लंका ढाए. तो जो इनसाइडर बंदा है, जो घर का ही बंदा है, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसको हम बोलते हैं इनसाइडर अटैक. यहाँ पे बी आंसर होगा, यहाँ पे सेम लिमिट में गिवन होगा आपका इनसाइडर अटैक. आइएगा आगे चलते हैं. नाउ एमसीक्यू नंबर 14 पे आते हैं हम. यहाँ पे विच इमर्जिंग 3D डिजिटल स्पेस टेक्नोलॉजी विच यूज द ऑगमेंटेड रियलिटी एंड द वर्चुअल रियलिटी. अब देखिएगा पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो यूज करती है ऑगमेंटेड रियलिटी को एंड द वर्चुअल रियलिटी को. जो होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, यहाँ पे कोई बैठा है आपका जो रूम को डिजाइन कर रहा है. अभी रूम डिजाइन नहीं हुआ है, खाली रूम खाली है पूरा का पूरा. आपने वो आंखों पे पहना डिवाइस जिससे आपको लगेगा कि एक्चुअल में रूम डिजाइन होने के बाद कैसा लगेगा. यहाँ पे वो फर्नीचर डिजाइन कर रहा है या फिर किचन डिजाइन कर रहा है, जो तैयार हो जाएगा वो कैसा बनेगा आप उसको देख सकते हैं वो मशीन लगा के. उसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी. तो उसके लिए आपको उस जगह पे होना पड़ेगा. अब बारी आती है नेक्स्ट वर्चुअल रियलिटी की.
इसमें क्या होता है कि आपको वहां पे जाने की कोई नीड नहीं है, आप घर बैठे बैठे उसको आंखों पे लगा सकते हैं, उसको अपनी आंखों में देख सकते हैं मतलब उसके थ्रू, या फिर इसको आप बोल सकते हैं आप स्काई डाइविंग कर सकते हैं, स्काई डाइविंग अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं, आपको वहां पे जाने की कोई नीड नहीं है, मतलब इसे एक लेवल अप है। जो मीटावर्स होता है, जो मीटावर्स होता है उसमें ये भी इंक्लूड होता है और ये भी इंक्लूड होता है, प्लस न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती है। तो इसका हो गया मतलब ये थर्ड वर्जन हो गया, बोल सकते हैं इसका थर्ड वर्जन हो गया। तो क्वेश्चन में पूछने की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो यूज करती है ऑगमेंटेड रियलिटी को एंड द वर्चुअल रियलिटी को टू अलाउ द पीपल हैव लाइक पर्सनल एंड द बिजनेस एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन, जिसको हम बोलेंगे मीटावर्स, जो दोनों को यूज करता है, थर्ड वर्जन इसको आप बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द मीटावर्स विल बी आंसर, द आंसर इज डी हियर। आगे चलते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 15 पे आते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ ऑटोमेटेड टूल दैट इज बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, क्रिएटिंग ए ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का ब्लॉक बनाए जा रहे हैं जो बेस ऑन द सिस्टम ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन है, बेस ऑन द सिस्टम ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन है। किसकी बात की जा रही है? ये तो बिल्कुल साफ हो गया, आपको हिंट मिल चुका है, यहां पे ब्लॉकचेन की बात की जा रही है। जैसे जो हमारा आरबीआई सिस्टम है, जो हमारा आरबीआई रुपीज को इश्यू करता है, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, आरबीआई उसका कट्टा धरता है, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बिटकॉइन है, वो होता है डिसेंट्रलाइज, जो लोग है वो ही रेगुलेट करते हैं खुद, ये लोगों के हाथ में ही होता है, पीपल्स के हाथ में ही होता है। इसमें बन जाते हैं ब्लॉक जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है हमारा तो उसका पहले लेक्चर को देखिएगा, फिर यहां पे आइएगा, फिर इसको कवर कीजिएगा। These blocks are linked using the cryptography. Each block contains a cryptography hash of the previous block. ये आपको मैंने क्लासेस में समझाया था सारी बातें। तो किसकी बात हो रही है? ब्लॉकचेन की बात हो रही है यहाँ पर। The answer is B here. तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपको डेफिनेशन दे रहे हैं, तो आपको चूज करना है उसका आंसर की ये किसकी डेफिनेशन है यहाँ पर। इज इट क्लियर? राइट, लिमिट में देख लेते हैं। अगेन आपको डेफिनेशन दे रहे हैं तो बताना आपको मीटावर्स है, ये ब्लॉकचेन है। ओके आगे चलते हैं यहाँ पर। Which of the control are not part of the change management domain? ये किसमें कवर होता है? ये कवर होता है आपका जो आप कहते हैं GIC, General, मैं आपको दिखाता हूं, इसको हम बोलते हैं General IT Control बोलते हैं। इसमें होते हैं एक्सेस सिक्योरिटी, प्रोग्राम चेंज एंड डाटा सेंटर एंड नेटवर्क। तो इसकी बात की जा रही है जो आपका IT जनरल कंट्रोल की बात की जा रही है, जो आपका प्रोग्राम चेंज वाला है। तो क्या इसमें नहीं कवर होगा? द चेंजेस आर एडिक्वेटली ट्रैक एंड रिकॉर्डेड। यस, ट्रैक करना होगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कब चेंज किए गए। सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज आर मेंटेनेड बिटवीन द डेवलपर एंड द इंप्लीमेंटर। सिस्टम को मना कोई और रहा है, इंप्लीमेंट कोई और कर रहा है, तो उनकी ड्यूटीज है वो डिफरेंट होनी चाहिए। राइट, ठीक है। बैच जॉब शेड्यूल आर मॉनिटर्ड फॉर फेलियर एंड एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड। इमरजेंसी चेंजेस आर अप्रूव्ड। ये तीनों पॉइंट ठीक हैं, ये तीनों पॉइंट उसमें कवर होते हैं हमारी बुक में, आप देख सकते हैं यहां पर। हो गया इमरजेंसी चेंजेस के बारे में, जो आपका रिकॉर्ड है वो मेंटेन होने चाहिए, लेकिन जो बात करें बैच जॉब वाली वो यहां कवर नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? बैच जॉब्स शेड्यूल आर मॉनिटर्ड फॉर द फेलियर एंड एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड। ए बैच जॉब इज एनी regularly occurring automated process that groups similar tasks and perform them automatically without needing to be prompted by the human interaction. तो सिस्टम में कुछ फीड कर देते हैं, वो बार बार ऑटोमेटिकली ऐसा होना स्टार्ट कर देता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसको हम बोलते हैं बैच जॉब। तो यहां पर कवर नहीं होता प्रोग्राम चेंज के अंदर ये वाला। इज इट क्लियर? ओके, द आंसर इज सी है। नाउ अब आ रही है नेक्स्ट एमसीक्यू की। एक्स वाई जेड लिमिटेड इज द in the process of developing the cyber security framework and are at the stage of the forming the policies around the protect the risk, protect from risk. आपको choose करना है कि क्या इसमें cover नहीं होता, protect from risk। तो उसमें different cover होते हैं point, जैसे कि आपको दिखाता हूं मैं, protect from risk, cyber security framework, this is CSF, so protect from risk। हमको कुछ ऐड करना पड़ता है, एक्सेस कंट्रोल, अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड डाटा सिक्योरिटी। तो क्या इसमें कवर नहीं होगा?
ये इसमें कवर होगा, एक्सेस कंट्रोल कवर होगा, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड प्रोसेस इसमें कवर होगा, लेकिन जो रिकवरिंग प्लानिंग है, रिकवरी प्लानिंग है वो इसमें कवर नहीं होगा। किस पॉइंट के अंदर? जो हमारा प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिस्क है, जो रिकवरी प्लानिंग है वो कवर होता है लास्ट पॉइंट के अंदर, जो हमारा रिकवरी वाला पॉइंट है। आपको दिखाता हूं, जो इसमें लास्ट पॉइंट है ना, रिकवरी फ्रॉम द रिस्क, ये यहां कवर होता है रिकवरी प्लानिंग, नॉट इन द प्रोटेक्ट द रिस्क, तो रिकवरी वाले में कवर होगा, ये वाला यहां पे कवर नहीं होगा। द आंसर इज डी है, राइट। लिमिट में देख लें, लिमिट क्या बोलता है यहां पर, हाँ जी, यहां पे आपको कुछ ऐड करना होगा जिसमें आएगा डाटा सिक्योरिटी ट्रेनिंग एक्सेस कंट्रोल, लेकिन जो आपका रिकवरी प्लानिंग है वो यहां पे कवर नहीं होता, वो आपका लास्ट वाले पॉइंट के अंदर आता है, रिकवरी वाले के अंदर, रिकवरी फ्रॉम द रिस्क। इज इट क्लियर? से यस, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट एमसीक्यू, रिमोट ऑडिट या फिर वर्चुअल ऑडिट इज व्हेन द ऑडिटर यूज द ऑनलाइन और द इलेक्ट्रॉनिक मींस टू कंडक्ट द ऑडिट। आपको चूज करना है इसमें क्या इसका एडवांटेज नहीं होगा। हम कर रहे हैं ऑनलाइन ऑडिट, हम ऑफिस में बैठे हैं और हम कर रहे हैं ऑनलाइन ऑडिट, तो क्या इसका जो एडवांटेज नहीं होगा, हमारी कॉस्ट बचेगी, बिल्कुल बचेगी। इजी एंड डायरेक्ट एक्सेस टू एविडेंस, यस, जो उनका सिस्टम कंट्रोल ले पाएंगे डायरेक्टली वहां बैठे बैठे, तो हमें एविडेंस डायरेक्टली मिल जाएगा। सिक्योरिटी एंड द डिटोरेट डॉक्यूमेंट्स, नो, दिस इज द डिसएडवांटेजेस, बिकॉज अगर हम बात करें सिस्टम की, हम उनका एक्सेस ले लेंगे डायरेक्टली, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वगैरह है हमारे है ही नहीं, इतने टाइम के अंदर उसको उसमें हेर फेर कर देंगे, उसको बदल देंगे वो, तो ये डिसएडवांटेज होता है इसका। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क, यस, हम किसी टाइम वर्क कर सकते हैं, कभी भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको वो चेंज कर सकते हैं सामने वाले जो हमारा क्लाइंट है, यहां पर इसका डिसएडवांटेज होता है। द आंसर इज सी है, आपको बुक में भी दिखा देता हूं, यहां पे इसके जो एडवांटेज क्या होगा वो होगा सीसीटीवी ऑडिटर एविडेंस, इसका होगा डिसएडवांटेज डीडीएलजे एक्सेस कंट्रोल, जो आपके रिकॉर्ड वगैरह को यहां पे वो डॉक्टरेट कर सकते हैं, उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, यहां पे एमसीक्यू भी है, ओके, ये मार्क भी किया हुआ है। आइएगा, रिमोट ऑडिट और द वर्चुअल ऑडिट इज व्हेन द ऑडिटर यूज द ऑनलाइन और द इलेक्ट्रॉनिक मींस टू कंडक्ट द ऑडिट। अगेन इस पर क्वेश्चन है, यहां पर हम यूज करते हैं ऑनलाइन मींस फॉर द वर्चुअल ऑडिट और रिमोट ऑडिट, तो क्या इसका एडवांटेज है? ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहे हैं क्या इसका एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्लोबल एक्सपर्ट, यस, इसका एडवांटेज है, ये हमने ऊपर देख लिया ना, ये वाला पॉइंट इसका एडवांटेज है। कॉस्ट बचती है, टाइम बचता है, यस, आपको डायरेक्ट एविडेंस मिल जाते हैं, यस, तीनों ही कवर हो गए ना, ये बाकी तीनों वाले पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा यहां पर, सिंपल है, तो है ना, सो डी आंसर हो जाएगा यहां पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। सीएके इज द स्टैच्यू ऑडिटर ऑफ द जेकेपी लिमिटेड, द कंपनी लाइज हैविली अपॉन द आईटी सिस्टम फॉर फंक्शनिंग। तो कंपनी कौन सी, कैसी कंपनी है, जो आईटी बेस्ड कंपनी है। इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द सीएके दैट द ड्यूरिंग द ईयर अंडर द ऑडिट इट इज ट्राइड टू टारगेट द कंपनी आईटी सिस्टम यूजिंग द रैंसमवेयर। तो कंपनी के सिस्टम पर रैंसमवेयर का अटैक हुआ है बाय सेंडिंग द फिशिंग ईमेल्स, दीज अटैक्स आर नॉट टारगेटेड टू द कंपनी फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमको इसमें चूज करना है सही वाला क्या रहेगा। ओके, जो ये अटैक होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा जो रिस्क होता है ना, ऑडिट रिस्क जो हमारा होता है, ऑडिट रिस्क, उसमें हम इसको काउंट करते हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया आपकी बुक के अंदर, जो आपकी मेन बुक है, जो हमारी मैजिक बुक है, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था ना कि वन सेकेंड, देखना वो क्वेश्चन वो कहां पर है, कहां पे कवर है इस बुक के अंदर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पे एक सीए फाइनल स्टूडेंट है, ये वाला क्वेश्चन है, वो सीए फाइनल का स्टूडेंट है, वो कहता है कि जो साइबर अटैक है ना, वो हमारे ऑडिटर के काम के नहीं है, उसको काउंट नहीं करना, हमारे ऑडिटर को काउंट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है हमारे प्रॉब्लम के ऊपर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर एज ए पार्ट ऑफ द ऑडिट रिस्क। तो यहां पे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है और यहां पे एक एमसीक्यू भी पूछ लिया गया है। अगेन यहां पे एक अटैक हुआ है रैंसमवेयर वाला, यस, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर ऑडिट रिस्क एंड रोमम। द आंसर सी इज इट इज ए बिजनेस रिस्क एंड इट हैज इंपैक्ट ऑन आवर असेसिंग द ऑडिट रिस्क।
तो बाकी में ऑडिट्स की बात ही नहीं की जा रही। यहाँ बोल रहे हैं इट इज आई टी सिस्टम रिस्क अलोन टू डेल्ट बाय द आई टी कंपनी आई टी डिपार्टमेंट, कंपनी डिपार्टमेंट नहीं देख लेगा। नहीं नहीं, जो हमारा ऑडिटर साहब है वो उसको काउंट करेंगे अपने ऑडिट रिस्क के अंदर भी। यहाँ पे द आंसर इज सी है, बाकी पढ़ने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। राइट, समरी पढ़ लें। यस, ये हमने कर लिया, देन ये हमने कर लिया, देन हम पढ़ रहे हैं इसको यहाँ पे। इट इज ए बिजनेस रिस्क एंड द इम्पैक्ट ऑन द सेसिंग द ऑडिट रिस्क। राइट, अगर रैंसमवेयर का अटैक हुआ है यहाँ पर, दीज आर नॉट टारगेटेड ऑन द कंपनी फाइनेंशियल सिस्टम, सक्सेसफुल नहीं हुआ, चाहे कंपनी के जो फाइनेंशियल है उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो फिर भी इसको हमने काउंट करना है फॉर द ऑडिट रिस्क यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। आइएगा बैंक पे आते हैं। सेफ हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड इज ए कंपनी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, इट इज नाउ यूजिंग ए क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम वेयर द इनकमिंग क्लेमिंग कैन बी क्लेम्स कैन बी इमीडिएटली आइडेंटिफाइड ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ, ए फॉर्म इज इश्यू टू द कस्टमर हु साइंस इट। अब कस्टमर आ रहे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लिया था, क्लेम फाइल कर रहे हैं, तो एक वेबसाइट पर सिस्टम बना दिया गया है, इसको डायरेक्टली उसमें फिल कर पाएंगे अपनी डिटेल्स वगैरह। दिस डिटेल्स आर वेरीफाइड बाय सिस्टम अगेंस्ट द प्रेजेंट डाटा, सच सिस्टम हैज अलाउड टू फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द क्लेम्स एंड एरर फ्री डाटा वैलिडेशन, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इन द हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर रहा है बाय फिलिंग डिटेल बाय द कस्टमर। तो यहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है? नो, दिस इज आईओटी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पावर बीआई भी नहीं होगा, यहां पे होगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इसको हम बोलते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन भी है स्टडी मैट के अंदर, जो हमारी बुक के अंदर भी क्वेश्चन है, जहां पे हम यूज कर रहे हैं आरपीए का फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पज, फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पज, फॉर द हायरिंग पर्पज, यू कैन से फॉर द हायरिंग पर्पज। राइट, तो वैसे यहां पे आरपीए का यूज कर रहे हैं फॉर द जो क्लेम वगैरह आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, उसको लेने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। राइट, द आंसर इज सी हियर। चलिएगा, सेम आपको लिमिट में मिल जाएगा वाली बात, द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले एमसीक्यू के ऊपर, दिस इज द केस स्टडी। देखिएगा, अगर आपको गिवन होता है कि आप डी को रेफर कीजिए, आप ई को रेफर कीजिए, अगर आपको ऐसा गिवन होता है तो पहले आप इस एक पार्ट को पढ़ा नीचे, मतलब क्वेश्चन को पढ़ा, फिर उसको रेफर कर लिया, उसको पढ़ा, उसको रेफर कर लिया, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर जो किसी छोटी है तो उसको पूरा पढ़ लीजिए, क्या करें, पहले केस स्टडी को पढ़ लें पूरा, थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम केस बाय केस रेफर करेंगे इसको, जो हमारे पॉइंट बचेंगे। सेफ हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड इज ए कंपनी वर्किंग इन फील्ड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, अगेन ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर, इसको ऐड कर दिया गया है केस स्टडी के अंदर। राइट, इट इज नाउ यूजिंग ए क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम वेयर इनकमिंग क्लेम आर कैन बी इमीडिएटली आइडेंटिफाइड ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। अगेन आंसर क्या होगा, हम यूज क्या कर रहे हैं यहां पे, हम यूज कर रहे हैं आरपीए। तो पहले का क्वेश्चन क्या है यहां पर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन हेल्थ सेक्टर, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम आरपीए यूज कर रहे हैं। अगेन रिपीट हुआ क्वेश्चन, सी आंसर होगा। नाउ बी पॉइंट पढ़ लेते हैं यहां पर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ ए कंपनी इट इज नोटिस दैट द साइबर अटैक टुक प्लेस ऑन द डाटा इन विच फाइल्स आर इनक्रिप्टेड एंड द कंप्यूटर गेट लॉग्ड। द हैकर डिमांड कर रहा है यहां पर अमाउंट बिटकॉइन के अंदर, तो क्या मांग रहा है, फिरौती मांग रहा है, ये क्या है, रैंसम वेयर है, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, रैंसम वेयर मांग रहा है, फिरौती मांग रहा है, इसको हम बोलते हैं रैंसम वेयर। बी का आंसर क्या होगा यहां पे कौन सा अटैक हुआ है हमारे यहां पे, हमारे यहां पे हुआ है रैंसम वेयर, वो फिरौती मांग रहा है यहां पर, तो आंसर ए होगा इसका। ओके, आगे देख लेते हैं, सी पे आते हैं। सी एक्स द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी is looking into the cyber security risk of the company. He is making the inquiry regarding the processes and controls for the privileged account access, patch management program, vendor risk management program. He is also performing the external network penetration testing. ये आपको बुक में दिखाना पड़ेगा, यहां देखिएगा।
जो आपका होता है कंट्रोल कंसिडरेशन और साइबर रिस्क, यहाँ पे कवर होता है कि जो वेंडर की बात है वो कवर होती है कि वेंडर से हम कैसे जो रिस्क रहता है ना, वेंडर को पेमेंट करते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, या फिर हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, या फिर जो हमारा होता है पैच मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीन कवर होते हैं। बट जो ऑडिटर यहाँ पे चार बातें चेक कर रहा है, वो तीन चेक तो कर रहा है, वो साथ में क्या चेक कर रहा है, एक्सटर्नल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर रहा है, ये बात एक्स्ट्रा कर रहा है, उसमें कवर नहीं होती है, वो खाली तीन बातें ही कवर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये कवर नहीं होगा उसके अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, सी पॉइंट के अंदर विच इज नॉट पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू असेस द साइबर रिस्क सिक्योरिटी, इंक्वायरी करना रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड कंट्रोल फॉर द प्रिविलेज अकाउंट एक्सेस, इंक्वायरी करना रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड कंट्रोल रिगार्डिंग द पैच मैनेजमेंट, ये इसमें कवर होगा, जो आपका अकाउंट एक्सेस हो रहा है पेमेंट हो रही है वो कवर होगा, या फिर इंक्वायरी रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड कंट्रोल फॉर द वेंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी कवर होगा, जो वेंडर डिटेल वगैरह है यहाँ पर। लेकिन जो आपका पेंटेशन वगैरह है यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह नेटवर्क की, वो इसमें कवर नहीं होती है, डी आंसर हो जाएगा। आगे आइएगा, फोर्थ वाल देख लेते हैं, वेरिफिकेटरी इज ए एंटिटी विच कैन स्टैम्प द ईमेल्स एंड एनी फाइल, इट सिंप्लीफाइज द सर्टिफाइंग ऑफ ईमेल्स बाय जस्ट ईमेलिंग द टू देम एंड ईमेल स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर द कस्टमर, मैनी लो फर्म्स कैन यूज देयर सर्विसेज, तो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देते हैं, सर्टिफाई कर देते हैं यहाँ पर, वो ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो यूज करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी का, दैट यूज द क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, द इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग द हैशिंग एंड टाइम स्टैम्पिंग इज ऑफ द सिग्निफिकेंट एविडेंट्री वैल्यू, किसकी बात की जा रही है, ब्लॉकचेन की बात की जा रही है, जिसके अंदर आपके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाते हैं, मैंने आपको क्लास में अच्छे समझाया ब्लॉकचेन का यहाँ पे, ओके इसकी बात की जा रही है, ब्लॉकचेन की बात की जा रही है, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर, पैरा नंबर ई पे आते हैं, सी एक्स इज प्लानिंग टू द ऑडिट फॉर एलएनटी, द टाइमलाइंस आर एग्रीड इन ए मीटिंग विद द की मैनेजमेंट पर्सन ऑन ए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इसकी बात की जा रही है वर्चुअल ऑडिट की बात की जा रही है, इसको हम बोलते हैं रिमोट ऑडिट, रिमोट ऑडिट। नाउ द एलएनटी आल्सो एग्री to provide the data electronically, video conference meeting to be held from time to time, तो इस पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत है बताओ हमारे को, क्या इसमें से झूठा बात है, क्या इसमें फॉल्स है, the opportunity to present the doctored document to omit the relevant information, क्या बात में झूठी है, yes उनको मौका मिलता है उसमें हेर फेर करने का document, ये बात सच्ची बात है, हमको चूज करना फॉल्स वाला यहां पे, remote access to the sensitive IT system may not be allowed, yes ये हमको provide वो नहीं करते हैं, this is the disadvantage for the virtual audit, आपने book में पढ़ा होगा, it provides the comfort and flexibility, yes हम घर बैठे बैठे इसकी audit कर सकते हैं, the time zone issues also affect the efficiency of the audit, हमारे को D answer लग रहा है इसका, answer A कैसे होगा, one second, the opportunity to present the doctored document to meet the relevant information is decreased, yes ये कह रहे कम हो जाएगा, कह रहे कम हो जाएगा, अरे बढ़ जाएगा ये वाला, अभी ये फाल्स हुआ यहाँ पर, राइट, जो डॉक्यूमेंट वो हेर फेर करेंगे वो ऐसे चांसेस बढ़ जाएंगे इसके अंदर, ओके ये कह रहे कम हो जाएगा तभी ये फाल्स हुआ, तो आंसर यहाँ पर ए होगा यहाँ पर, ओके हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये बात भी ठीक है यहाँ पर, समझ में आया आपको, समझ से देख लो साथ साथ, ये आपको समझ दी गई है इसकी पांचों पॉइंट की विद द केस स्टडी, इट मींस आपको पूरा केस पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है, अगर आप खाली इसको पढ़ लोगे एग्जाम से पहले तो आपके सारे एमसीक्यू रिवाइज हो जाएंगे, ये तो हमारा सेम ही था, रैंसमवेयर इसका आंसर था, या वो गर्ल टेस्टिंग कर रहा था, यहाँ होगा ब्लैक चेन और यहाँ पे होगा जो हमारा ये डिक्रीज कह रहे हैं, बट यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये तभी फॉल्स है यहाँ पर, समझ में आया ना आपको। चलिए हम कवर करते हैं बैंक ऑडिट वाला पार्ट, बैंक ऑडिट ऊपर है, सीधा बैंक ऑडिट एमसीक्यू नंबर वन देख लेते हैं यहां पर, ए बैंक हैज सम नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ एडवांटेज एडवांसेस, तो स्टाफ को एडवांस दे रहे हैं जिसपे इंटरेस्ट वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, द बैलेंस शीट दिस शुड बी प्रेजेंटेड, कहां पे शो करेंगे, ओके दिस इज द बेस ऑन द जो आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका शेड्यूल थ्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम दिखाते हैं
अदर के अंदर, अदर एसेट के अंदर, यहाँ पे ये आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। कई टीचर बोलते हैं कि आपको एमसीक्यू करने की नीड ही नहीं है, खाली आप नोट्स पढ़िएगा। अब आप कर रहे मेरे साथ एमसीक्यू, बहुत से एमसीक्यू ऐसे जिसको आप खाली डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाएंगे बाय स्टडिंग द नोट्स ओनली। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही पड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो खाली जो हमारी समरी बेस समरी वाली एमसीक्यू वाली आप खाली उसको पढ़ सकते हैं, तो आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो जो होती है फेक वीडियोस जो आपको बोल रहे हैं कि आपको एमसीक्यू कवर करने की कोई भी नीड नहीं है, तुमसे आप बच के रहिएगा। ओके, सेम बात समरी में कवर होगी। बैंक ऑडिट पे चलते हैं। बैंक ऑडिट कहां गया? ये रहा। बैंक ने दिया है यहाँ पे नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ एडवांस, इसको हम शो करेंगे अदर हेडिंग के अंदर और बैलेंस शीट अंदर अदर एसेट्स। ओके, नाउ यू आर द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द एफसीडी बैंक लिमिटेड फॉर द दिस ईयर एंड द बैंक मेंटेन्स ऑल द डाटा ऑन द कंप्यूटर। यू आर इंस्ट्रक्टेड बाय यूर सीनियर टू वेरीफाई द लोन्स अगेंस्ट द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द नवी मुंबई ब्रांच। आपको वेरीफाई करना है जो लोन दिया गया है अगेंस्ट द फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के अगेंस्ट। एज पर द स्कोप ऑफ द ऑडिट यू नीड टू एंश्योर दैट द प्रॉपर लाइन हैज बीन मार्क्ड ऑन ऑल द फिक्स्ड डिपॉजिट अगेंस्ट द विच द लोन्स हैज बीन इश्यूड, कि वो बैंक के नाम पे लाइन कर दिया गया है। ओके, इन द सिस्टम ये हमारे नाम हो चुकी है वाली एफडी, अगर वो पैसा नहीं देगा तो इस पर हम कब्जा कर लेंगे, ऐसे सिक्योरिटी आप बोल सकते हैं। तो क्या इसमें आपका रहेगा ऑडिट प्रोसीजर? हम इंश्योर करेंगे जो सारी फिक्स डिपॉजिट है, रिसिप्ट है, आर अटैच लोंग विद द अप्रूव्ड लोन डॉक्यूमेंट। उसके साथ में तो होगा, लेकिन जो हम कह रहे हैं लाइन है वो बैंक के नाम पे मार्क होना चाहिए कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे और पैसे नहीं देगा। तो यहाँ पे एंश्योर दैट द ऑल द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट अगेंस्ट विद द लोन्स हैज बीन सेक्शनेड आर डिस्चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक। बैंक के फेवर में डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसको हम चेक करेंगे कि वो एज ए लाइन मार्क कर दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उस बैंक के। यस, दिस शुड बी आंसर। बाकी पढ़ लेते हैं। डिस्कस करेंगे द प्रोसेस फॉलोड फॉर द लाइन मार्किंग विद द ब्रांच मैनेजर। ये भी आप बोल सकते हैं कैसे होता है पूछ सकते हैं, लेकिन हमको जब लाइन मार्क चेक कर लिया तो कंप्लीट बात कंप्लीट हो जाती है। फादर ने डॉक्यूमेंट भी चेक कर लिया यहाँ पर। दिस इज गुड आंसर। एंश्योर दैट द ऑल द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट अगेंस्ट द विच द लोन्स हैज बीन सेक्शनेड। रिसिप्ट चेक कर लेंगे, आर डिस्चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक इसको चेक कर लेंगे, लाइन भी चेक कर लेंगे। बस साथ में हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द फिक्स डिपॉजिट शुड बी कैप्ट सेपरेटली विद द ब्रांच मैनेजर। जो एफडी है उसको हम अलग से रखेंगे ब्रांच मैनेजर के पास। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। दैट्स वाई द आंसर बी इज करेक्ट है। समझ में आया आपको? दिस इज जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, द आंसर बी हियर। लिमिट क्या बोलते हैं इसके बारे में? आपको वेरीफाई करना है लोन्स जो एफडी अगेंस्ट दिया गया है, आपको इंश्योर करना है कि जो लाइन मार्क किया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिसिप्ट को चेक जो डिस्चार्ज कर दी गई है बैंक के फेवर के अंदर, उसका लाइन चेक कर देंगे कंप्यूटर के अंदर मार्क है। ओके, नाउ एक्स वाई जेड बैंक हैज ए एनपी अकाउंट ऑफ द मैसर्स ग्लैम पार्क शोविंग द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 55 लाख इन द बुक्स। ओके, तो उसका ये एनपी अकाउंट था पर ये बंदा पैसे दे नहीं रहा था। तुम्हारा एनपी था, हमने एनपी को बेच दिया। कितने का बेच दिया? 56 लाख रुपए यहां पे बेच दिया। बोलो हाँ। सो प्लीज सेलेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बोलता है हमारा कंसेप्ट? हमारा कंसेप्ट बोलता है कि जो ये वाली अमाउंट है, जो ये वाली अमाउंट है, इसको हमने यूज नहीं करना, इसको हमने ट्रांसफर नहीं करना टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए प्रॉफिट। इसको हमें क्रेडिट नहीं करना, इसको हम बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर लॉस ऑन एनपीए। इट मींस इसको हम यूज करेंगे अगर बाद में हम कोई एनपीए सेल करते हैं उसमें लॉस होता है। जैसे कि इसकी वैल्यू 55 लाख की है, 56 लाख का बेचा है, 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। ऐसा कोई और एनपीए होगा 55 लाख का होगा, हम 54 लाख का बेच देंगे तो वहां पे 1 लाख का लॉस होगा ना, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इसको हमें ट्रांसफर नहीं करना अंडर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको हमें मेंटेन रखना है फॉर द प्रोविजन फॉर द लॉस ऑफ एनपीए। ओके, ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसमें भी नहीं रहने देंगे, इसको हम कर देंगे क्रेडिट टू द प्रोविजन फॉर द लॉस ऑन द सेल ऑफ द एनपीए। द आंसर इज सी इज हियर। लास्ट में बोल रहे हैं रिटर्न कर देंगे 1 लाख रुपीज द पार्टी परचेजिंग द एनपीए। क्यों भाई, क्यों वापस कर देंगे उसको? द आंसर इज सी हियर। ओके, समझ में देखना है। बैंक ने सेल करी एनपीए फॉर मोर देन द लाइजेबल वैल्यू,
मतलब आपको पैसे फालतू मिले हैं तो उसको मेंटेन करेंगे एज ए प्रोविजन, नोट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे। आइएगा आगे, क्या बोल रहे हैं यहां पर, एज एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द लक्ष्मी धाम बैंक, लक्ष्मी धाम बैंक क्या नाम है, खुलना चाहिए ऐसा बैंक कोई। सो यू वाइल रिव्यूइंग द बैंक सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस थ्रू CBS कोर बैंकिंग सिस्टम, आपने डिस्कवर करा है सिग्निफिकेंट डिले इन द सिस्टम इन एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग द क्रिस्टलाइजेशन द डेट ऑफ एनपीए, कि उसको डेट ऑफ एनपीए में ट्रांसफर करना उसमें सिस्टम डिले कर रहा है, बोल सकते हैं यहां पर डिले हो रहा है। इसकी वजह से बहुत से अकाउंट ऐसे हैं दैट शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज एनपीए वर नॉट रिकॉग्नाइज एज सच एज सिस्टम फॉर एक्सटेंडिंग पीरियड, डिले हो गया पर वो एनपीए नहीं हो पा रहे उसकी वजह से, तो क्या चेक करेंगे हम यहां पर, द ऑडिटर शुड इग्नोर द डिले, इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्यों इग्नोर कर देंगे, और सी में बोल रहे हैं कि यहां पे हम उस पर रिलाई कर देंगे जैसा वो कर रहा है उस पर रिलाई कर देंगे, यहां करें क्या इसको हम रिलाई कर देंगे, नहीं ना हम उसको रिलाई करेंगे जो ऐसा सिस्टम गलत कर रहा है ना उसको हम इग्नोर करेंगे, हम करेंगे बी पॉइंट, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट अ सिस्टम, उसको हम रिपोर्ट करेंगे जिसमें एरर हो रहा है एंड रिकमेंड करेंगे करेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर द एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवांस, अगेन दिस इज ए जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, द आंसर इज बी है। तो यहां पे हो रहा है डिले इन द CBS सिस्टम बिकॉज ऑफ दिस मैनी एनपीए जो क्लासिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको हम रिपोर्ट कर देंगे, रिकमेंड करेंगे करेक्टिव मेजर्स। ओके नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, एज एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द राम मशूरी बैंक यू आर रिव्यूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ द इन ऑपरेटिव अकाउंट्स बोथ द सेविंग एंड द करंट अकाउंट टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो आप इनको रिव्यू कर रहे हैं कासा को, ड्यूरिंग यूर ऑडिट यू नोटिस ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द बैलेंसेज ऑफ द सर्टेन इन ऑपरेटिव अकाउंट्स कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यहां पे जो बैलेंस है उसमें कम हो गया लास्ट ईयर कंपैरिजन के अंदर, यू डिसाइड टू एग्जामिन द ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉवल फ्रॉम दिस अकाउंट, अपॉन इन्वेस्टिगेशन आपको पता चला कि डिस्कवर दैट सम ऑफ द अकाउंट्स वर रिवाइव्ड विदाउट अथॉरिटी, कुछ अकाउंट को स्टार्ट कर दिया गया, अकाउंट बंद हो चुके थे उनसे पैसा निकाल लिया गया है, उनको चालू भी कर दिया गया है विदाउट अथॉरिटी और पैसा निकाल लिया गया यहां से विदाउट ऑथराइजेशन, तो हम क्या करेंगे, अगेन जजमेंट लगाएंगे, द ऑडिटर शुड कंसीडर रिडक्शन इन द बैलेंस एज ए नॉर्मल ऑकरेंस, बैलेंस कम हो गया ऐसा होता रहता है, नहीं जी नहीं ऐसा नहीं चलेगा, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द रिडक्शन इन बैलेंस ओनली एंड देयर इज नो अथॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर रिवाइवल, जो आपका बैलेंस कम हो गया ना खाली उसको यहां पे रिपोर्ट करेंगे, जो उसको रिवाइव कर दिया गया है विदाउट अथॉरिटी वो काम का नहीं है, यहां पर दोनों बात गलत है, यहां पर बैलेंस कम हुआ है प्लस उसको बिना थोटी की रिवाइव कर दिया गया है, दोनों बातें काम दी, क्योंकि यहां पे काफी रिस्क होता है इस कासा के अंदर फ्रॉड करने का, द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द लैक ऑफ अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवाइवल, ओके जो आपने रिवाइवल कर दिया है विदाउट अथॉरिटी इसको हम रिपोर्ट करेंगे एंड जो विड्रॉवल कर दिया गया है विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दोनों को रिपोर्ट करेंगे एंड रिकमेंड करेंगे करेक्टिव मेजर्स, बिल्कुल सही बात है, द सी इज आंसर, डीबी पढ़ लेते हैं, द ऑडिटर शुड प्रोसीड विद द ऑडिट विदाउट कंसीडरिंग द रेगुलेटरीज, इसको हम छोड़ देंगे हम आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है, द आंसर इज सी है। ओके आपको अकाउंट मिले हैं इन ऑपरेटिव जो रिवाइव किए गए हैं विड्रॉवल किया गया है विदाउट ऑथराइजेशन, तो हम यहां पे इसको रिपोर्ट कर देंगे, चलिए आगे आगे आइएगा, PFS बैंक वाज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर For which it took the trial approval from the RBI. The firm has been appointed as statutory auditor of the bank financial statement. और आप as a senior auditor instructed you to verify the transaction of the PMS. While verifying the transaction, you notice that the bank has not prepared a separate record for the PMS transaction. जो होती है PMS transaction, इसके जो record होते हैं अलग से maintain करने चाहिए यहाँ पर. इसकी होती है ऑडिट बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लस इसके जो रिकॉर्ड है वो अलग से मेंटेन होते हैं,
जो हमारा बैंक का ऑडिटर आया है ना, वो इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो मांगेगा, सर्टिफिकेट मांगेगा कि सर्टिफिकेट दीजिए जिसने ऑडिट करी है बार बार ऑडिटर ने, प्लस उसके रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करने होते हैं। ये आपने पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर के अंदर, जी इसका आंसर होगा इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द सेपरेट रिकॉर्ड। गलत, एज पर आरबीआई जो आपके इसके रिकॉर्ड होते हैं नीड टू बी ऑडिटेड सेपरेटली बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, बिल्कुल ठीक बात है। द ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू गिव ए सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट भी देगा। सो इन द अबव केस द ऑडिटर शुड वेरीफाई द जो उनकी ट्रांजेक्शन हुई है और एडवाइस करेंगे कि जो उसके रिवॉर्ड है वो अलग से मेंटेन रखेंगे यहाँ पर। सॉरी, इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, इसको वेरीफाई हम चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करेगा बार बार ऑडिटर जो देगा सर्टिफिकेट इसके ऊपर। हम तो सर्टिफिकेट देके गए हो, हम खाली उसको देखेंगे, प्लस उनको बोलेंगे जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के बारे में अलग से, राइट, फ्रॉम देयर ओन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड द सर्टिफिकेट टू द ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। द आंसर इज बी हियर। यहां पे कह रहे कि हम ओपिनियन को क्वालिफाइड कर देंगे, नहीं, वेरीफाई करेंगे जो उनका फंड है वो यूटिलाइज नहीं हुआ है फॉर लैंडिंग पर्पस, ऐसी कोई बात होती नहीं है। द आंसर इज बी हियर। गुड क्वेश्चन, समरी में देख लें इसको, सेम ही यहां पर आप वेरीफाई कर रहे हैं पीएमएस को जिसके रिकॉर्ड लग से मेंटेन नहीं हुए, तो हम बोलेंगे जिसकी ऑडिट होती है वो लग से ऑडिटर करता है, उसका आप सर्टिफिकेट लेकर के आइए, जो उसके रिकॉर्ड्स है उसको आप अलग से मेंटेन कीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो अर्ली वार्निंग सिग्नल WEWS आर दोज विच वैन नोटिसड इन एनी लोन अकाउंट शुड अलर्ट द बैंक ऑफिशियल्स अबाउट सम रॉन्ग डूइंग्स इन द लोन अकाउंट। तो जब EWS होता है तो वो उनके नोटिस में लेकर के आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, वो क्या होता है यहाँ पर, मे लेटर टर्न आउट ऑफ द फ्रॉडुलेंट, CAP हैज रिसेंटली जॉइन द GIS बैंक लिमिटेड एज ए क्रेडिट ऑफिसर, ही इज रिव्यूइंग द क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ द ब्रांच जो उसको साइन की गई है। बताइएगा क्या इसमें नहीं है इस एग्जाम्पल ऑफ द सच अर्ली वार्निंग सिग्नल, क्या इसमें वार्निंग सिग्नल नहीं है, आपको चूज करना है। इन्वोकेशन ऑफ द बैंक गारंटी इन्वोकेश हो गई है, टूट गई है यहां पर, ब्रेक हो गई है, यस सिग्नल है यहां पर ये वार्निंग का। डेवलपमेंट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय द ब्रांच, अगेन ये भी होगा। नॉन रिवर्सल ऑफ द एक्सपायर्ड बैंक गारंटी इशूड बाय द ब्रांच, जो बैंक गारंटी एक्सपायर हो गई है उसका रिवर्सल नहीं हो रहा, तो रिवर्सल करना क्यों है उसका। दिस इज नॉट ए वार्निंग सिग्नल, दिस इज नॉट ए वार्निंग सिग्नल, द आंसर इज सी हियर। फंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट बाय द सैंक्शनिंग एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी बाय ब्रांच, ये ऐसे कर सकते हैं, सॉरी ये रिस्क का फैक्टर है यहाँ पर, ये रिस्क का फैक्टर है जो ब्रांच दे रही है यहाँ पर फंडिंग ऑफ इंटरेस्ट बाय सैंक्शनिंग एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी, एडिशनल फैसिलिटी मिल रही है, दिस इज सिग्नल ऑफ द रिस्क, बट ये सी वाला नहीं होगा यहाँ पे। ओके, अब देखो क्वेश्चन इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो होंगे आपके मेनली जजमेंट बेस्ड होते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन को, सारे हम एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, सारे इनको आपने कवर कर लेना है, बाकी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नया बनता है तो आपने यूज करना जजमेंट को यहाँ पे। ओके, समझ कर आंसर करना है यहाँ पर ध्यान से। देखिएगा एमसीक्यू नंबर 8 देखते हैं। सीए सोम्या इज कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक, इट इज नोटिस दैट द ब्रांच इज हैविंग द ऑफिस अकाउंट, द ब्रांच हैव लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विद अदर बैंक्स ब्रांचेस एंड कंट्रोलिंग द ऑफिसेस एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट, सच ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट टू द ऑफिस अकाउंट। तो ब्रांच कुछ ट्रांजेक्शन कर रही है यहाँ पर, राइट, तो जब आप इसकी चेकिंग कर रहे थे ऑफिस अकाउंट की ब्रांच की, शी नोटिस द ट्रांजेक्शन ऑफ द वेरी नेचर पास टू द सच अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंट्रीज पास टू सच अकाउंट इज लाइकली टू बी ऑब्जेक्शनेबल, तो जो एंट्री पास की गई है, जो ट्रांजेक्शन की गई है, उनमें से ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो ऑब्जेक्शनेबल है यहां पर, कैश सेंड किया गया है बाकी ब्रांच को, ये तो होता ही रहता है, क्रेडिट कार्ड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ कस्टमर, इसमें क्या खास बात है, तो होता ही रहता है, पार्किंग ऑफ सब्सिडीज जो रिसीव हुई है गवर्नमेंट से ऑन वेरियस स्कीम के अंदर, दिस इज आल्सो नॉर्मल, पासिंग ऑफ एंट्रीज फॉर द ऑफिस अकाउंट टू द कस्टमर अकाउंट इन द बैच मोड, जो उसमें ट्रांजेक्शन की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है कस्टमर अकाउंट के अंदर, वो पार्ट मोड के अंदर की जा रही है, कुछ ट्रांसफर कर दी कुछ कर दी, ये गलत है यहाँ पर, दिस इज ऑब्जेक्शनेबल,
राइट, द आंसर इज डी है। चलिएगा सेम आपको समझ में मिल जाएगा वाली बात, आंसर इज सी है, ये तो सी होगा, ये वाला आंसर होगा इसका। आइएगा आगे, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटर बाय नेशनलाइज्ड बैंक फॉर दिस ईयर। जो आपका सीनियर आप एडवाइज कर रहा है कि आपको चेक करने हैं ऑल द स्टैंडर्ड एसेट जो उनके बैलेंस शीट में आ रही है। व्हाइल वेरीफाइंग यू ऑब्जर्व दैट द वन ऑफ द अकाउंट वाज रेगुलराइज, कब किया गया रेगुलराइज, नियर बैलेंस शीट डेट किया गया, यहाँ पर जो उसकी इंस्टॉलमेंट थी, जो उसका इंटरेस्ट था वो पे कर दिया गया है, नियर द बैलेंस शीट डेट। और ये ओवर ड्यू हुआ था 30 सितंबर से, 30 सितंबर से ओवर ड्यू था, क्योंकि अकाउंट को क्या कर दिया गया यहाँ पर, रेगुलराइज किया गया नियर बैलेंस शीट डेट। सो जो उसका लास्ट डे होता है फाइनेंशियल ईयर का, वाज, उसको हम क्या मानते हैं यहाँ पर बैंक वाले, वो मानते हैं एनपी को क्लासिफाई करने के लिए, राइट। हम क्या बोलते हैं कि अकाउंट ओवरड्यू रहा मोर देन 90 डेज, तो उसको हम एनपी कर देते हैं। पर उसको हम कब करते हैं एनपी, उसको हम करते हैं ईयर एंड पे करते हैं, 31 मार्च को क्लासिफाई करते हैं, ईयर के बीच में नहीं करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो उसका 3 मंथ है वो क्लोज हो चुका है, फिर ये एनपी होना चाहिए था 31 मार्च को, लेकिन जो 31 मार्च से पहले 28 मार्च को कह रहे हैं ना यहाँ पर पेमेंट आ गई है यहाँ पर, तो ये एनपी नहीं होगा। चाहे इसके 3 मंथ अबव होंगे जो पेमेंट आ चुकी है हमारे ईयर एंड के ऊपर, तो ये एनपी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट था वो ओवरड्यू था मोर देन 90 डेज, तो इसको हम एनपी कर देंगे, नहीं करेंगे क्योंकि ईयर एंड पे पेमेंट आ चुकी है। अगर हमारा कोई ऐसा अकाउंट है जो हो रहा है रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट, हमको चेक करना होता है कि उसकी पेमेंट जो आ रही है वो आ रही है थोड़ा जेन्युइन सोर्स। ऐसा क्यों होता है, कई बार जो कस्टमर होता है वो नया लोन लेते हैं उसे पेमेंट कर देते हैं पहले वाले लोन को पे करने के लिए, या फिर बैंक उन्हें लोन दे देते हैं ताकि वो पहले वाला लोन पे कर दे और बैंक को अपने अकाउंट में एनपी ना दिखाना पड़े, ऐसा भी हो जाता है। तो हमको चेक करना है जो उसकी पेमेंट की गई है वो की गई है बाय जेन्युइन सोर्स, यहां से जो ऊपर का इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट है वाज पेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट एंड नो रीजन टू क्लासिफाइज एनपीए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको चेक करना है कि जो पेमेंट की गई है बाय जेन्युइन सोर्स की गई है, एनपीए क्लासिफाई नहीं करना, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमको एग्री नहीं होना बैंक की पॉलिसी से, एग्री होंगे ना 31 मार्च को हम करते हैं ना उसको रिकॉग्नाइज कि एनपी होगा नहीं होगा। द बैंक कैन रिकॉग्नाइज द अकाउंट, यस वो कर सकते हैं ऐसे बिफोर बैलेंस शीट डेट, बट शुड एंश्योर दैट द अकाउंट हैज बीन पेड थ्रू द जेन्युइन सोर्स एंड नोट सैंक्शन ऑफ एडिशनल फैसिलिटीज, द अमाउंट रिमेन्स इन ऑर्डर। ओके, ऐसा कर सकते हैं, हमको चेक करना कि जो पेमेंट की गई है वो बाय जेन्युइन सोर्स की गई है, द आंसर इज डी है, ये आपको दिख ही गया होगा पहले ही, राइट। समझिए देख रहे हैं यहां पर, ओके, अकाउंट को कब रिकॉग्नाइज किया गया यहां पर 31st 30th मार्च को किया गया है बिफोर ईयर एंड। आपको चेक करना है कि जो पेमेंट की गई है बाय जेन्युइन सोर्स है विदाउट एडिशनल फैसिलिटीज। आगे बढ़ते हैं, 10th एमसीक्यू पर आते हैं। एमईए बैंक लिमिटेड हैज सैंक्शनड द ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 34 CR टू भारत लिमिटेड, किसके लिए, वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑन 31st मार्च दिस। एज पर द बैंक नॉर्म्स द ड्रॉइंग पावर इन द ओवरड्राफ्ट अकाउंट नीड टू बी रिव्यूड ऑन द क्वार्टरली बेसिस एज पर द ऑडिटेड स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। जो होता है हमारा यहाँ पर जो इसको हम रिव्यू करते हैं डीपी पावर को, जो स्टॉक की स्टेटमेंट होती है उसको हम 3 मंथ में करना चाहिए, हमारे को हम पढ़ चुके हैं अंदर नोट्स ऑफ द बैंक ऑडिट, इसको हमको रिव्यू करना चाहिए 3 मंथ के अंदर, 3 महीने से पुराने ये नहीं होने चाहिए। एज द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर दिस ईयर व्हाइल वेरीफाइंग द एडवांसेस फॉर द ईयर एंडिंग दिस इज दिस, आपने नोटिस किया है कि बैंक हैज नॉट ऑब्टेनड द स्टॉक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर। हमको 3 मंथ की चाहिए होती है और 2 क्वार्टर ले नहीं रहे यहां पर, तो क्या करेंगे हम यहां पर, क्लासीफाई द बरोवर अकाउंट एज एनपीए एज द बरोवर फाइनेंशियल पोजिशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू द नॉन सबमिशन ऑफ द स्टॉक अकाउंट, उसको हम एनपीए कर देंगे। इंस्ट्रक्ट करेंगे बैंक को टू ऑब्टेन द ऑडिटेड स्टॉक स्टेटमेंट फॉर बोथ क्वार्टर, उसको रिव्यू कर लेंगे। एज पर द बैंक नॉर्म्स द ड्रॉइंग पावर नीड टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट एंड इट इज शुड बी इट इज मोर देन द 3 मंथ ओल्ड, सो द आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट विल बी डीम्ड एज इरेगुलर, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज डीम्ड एज इरेगुलर, ये आप पढ़ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर, इसको हम इरेगुलर बोलेंगे क्योंकि स्टेटमेंट है मोर देन 3 मंथ्स पुरानी है यहां पर, द आंसर इज सी है।
ओके 700 रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, ये गलत होगा, क्या होगा, सी आंसर होगा यहाँ पर। ओके चलते हैं आगे। नाउ व्हाइल एग्जामिनिंग द कंप्यूटेशन ऑफ द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, डीटीएल की बात की जा रहे हैं, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द लायबिलिटीज, क्या इसमें काउंट नहीं होगा। मैंने आपको क्लास में बोला था कि आपको लिस्ट लर्न करनी पड़ेगी बैंक ऑडिट वाली, क्या उसमें काउंट होगा, क्या उसमें काउंट नहीं होगा। देखिएगा, ये इसमें काउंट नहीं होगा और ये तीन इसमें काउंट होंगे, और यहाँ पे एमसीक्यू भी है, मैं बताया भी गया है यहाँ पर, राइट। सो कोई पार्ट रिकवरी की गई है अमाउंट की फ्रॉम द बैट या फिर डाउटफुल डेट से, तो उसमें लायबिलिटी में काउंट नहीं होता। डिटेल निकालने के लिए अमाउंट मिली है आपको इंडियन करेंसी के अंदर अगेंस्ट द इम्पोर्ट बिल्स हेल्ड इन द सन्ड्री डिपॉजिट पेंडिंग रिसिप्ट फाइनल डेट, तो ये भी काउंट नहीं होता। या फिर कोई नेट क्रेडिट बैलेंस है इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इंक्लूडिंग द दीज रिलेटिंग टू द फॉरेन ब्रांचेस, ओके कोई आपके ब्रांच का कोई बैलेंस होता है वो आप इसमें वो काउंट करते हैं फॉर द डिटेल पर्पस, यस ये हम काउंट करते हैं। पूछा क्या गया है, क्या काउंट करेंगे, यस सी वाला काउंट करेंगे। द मार्जिन हेल्ड एंड द कैप इन द सन्ड्री डिपॉजिट फॉर द फंडेड फैसिलिटीज, जैसे आपने 1 करोड़ का लोन दिया तो आपने उसमें से 1 लाख एज ए सिक्योरिटी रख लिया, 1 लाख एज ए सिक्योरिटी रख लिया, इसको हम बोलते हैं मार्जिन, मार्जिन रख लेते हैं, या हम रख लेते हैं सन्ड्री डिपॉजिट, तो उसको अकाउंट नहीं करते उसके अंदर डिटेल के अंदर, तो खाली सी वाला अकाउंट होगा। ये हमारे टेबल में गिवन है, इसको आपने लर्न करना पड़ेगा, ये वाला क्या अकाउंट हो क्या अकाउंट नहीं हो। ओके नाउ सो आंसर सी इज हियर, आपको लिमिट में सेम ही मिलेगा। ओके चलिएगा, द एमसीक्यू नंबर 12, सिद्धा एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सीआरआर बैंक, द ऑडिटर आइडेंटिफाइज द केसेस ऑफ द एडवांसेस वेयर द प्राइमरी सिक्योरिटीज नॉट एडुकेट टू कवर द मार्जिन, जो सिक्योरिटी थी ना वहां पर वो एडुकेट नहीं थी उनके मार्जिन को कवर करने के लिए, और कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं किया गया था टू कंफर्म दैट सिक्योरिटीज अनएनक्यूम्ब्ड एडवांसेज नॉट हैविंग द एडवोकेट सिक्योरिटी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैंशन कर दें एल एफ ए आर के अंदर, या इसको मैंशन ना करें एल एफ आर के अंदर, या डॉक्यूमेंट द केसेज एंड डिस्कस विद द ब्रांच मैनेजमेंट, कंसिडर द डाउनग्रेड द एसेट एज पर द आर बी आई नॉर्म्स। ओके तीनों गलत रहेगा, इसको हम क्या कर देंगे डाउनग्रेड कर देंगे, होता है ना कि सिक्योर होता है अनसिक्योर होता है जो उस पर आपके बनते हैं प्रोविजन वगैरह, तो इसको हम डाउनग्रेड कर देंगे एज पर द आईसीआई प्रोडेंशियल नॉम, आरबीआई प्रोडेंशियल नॉम, आईसीआई बोलते हैं। द आंसर इज डी है। नाउ एमसीक्यू नंबर 13 आते हैं, ए ब्रांच ऑफ द एबीसी बैंक वाज हैविंग द 3 स्टाफ, एक कैशियर है, एक ऑफिसर है, एक मैनेजर है। जो कैशियर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर साइनिंग ऑफ द कैश स्लिप्स, पासिंग द एंट्रीज फॉर द कैश विड्रॉवल एंड प्रोवाइडिंग द कैश टू द कस्टमर। ओके उसकी साइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैशियर है। एंट्री पास करने वाला कौन है यहां पर, कैशियर है, और कैश देने वाला भी कैशियर है, यहां पर सारे काम वो खुद कर रहा है। यू एज ए बैंक ब्रांच ऑडिटर डिसाइड करते हैं वेरीफाई करने के लिए द कैश विड्रॉवल ट्रांजैक्शंस, आफ्टर टेस्टिंग यू डिसाइडेड टू पास द कंट्रोल ओवर द कैश प्रोसेस, आल्सो देयर वाज नो ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द टेस्टिंग, मोर ओवर एज द प्रोसेस इन प्रेजेंट ब्रांच द वर्क परफॉर्म बाय द कैशियर इज नॉट मॉनिटर ऑन डेली बेसिस, उसे काम को मॉनिटर डेली बेसिस पे नहीं कर रहा बैंक यहाँ पे, लेकिन ऑन द क्वार्टरली बेसिस सर्टेन टेस्ट चेक वर परफॉर्म बाय ए ब्रांच ऑफिसर, इंटरनल ऑडिट टीम रिपोर्टेड द सेट कंट्रोल ओवर द प्रोसेस एज ए ऑपरेटिंग, बताइए क्या करेंगे आप। यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड द वेदर द रिपोर्टिंग ऑफ दिस सेट कंट्रोल्स बाय द इंटरनल ऑडिटर टीम इज करेक्ट ऑन नोट, सारे काम वो खुद ही कर रहा है, जो कैशियर है एंट्री वही पास कर रहा है, स्लिप को साइन वही वेरीफाई कर रहा है, और कैश वही दे रहा है, तो यहाँ पे किसी की कमी है, द सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज की कमी है यहाँ पर। ओके द कंट्रोल ओवर द कैश प्रोसेस शुड बी रिपोर्टेड एज ए ऑपरेटिंग केसेस नो इश्यू वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल।
ओके, वो कहता है ये ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग नहीं है, यहाँ आपके जो ड्यूटीज वगैरह है वो आपने प्रॉपरली बांटी नहीं गई है, यहाँ पर सारे काम एक पर्सन ही कर रहा है। यहाँ पर द कंट्रोल ओवर द कैश प्रोसेस शुड बी रिपोर्टेड ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर। दिस कंट्रोल शुड बी रिपोर्टेड एज नॉन ऑपरेटिंग बिकॉज द सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज वॉज नॉट प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसिंग ऑफ द पेमेंट ट्रांजेक्शन बाय द कैशियर। दिस इज राइट। और लास्ट में बोल रहे हैं कि दिस कंट्रोल शुड बी रिपोर्टेड एज नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि जो मैनेजर ऑफ द ब्रांच है शुड हैव एटलीस्ट टू ऑफिसर फॉर द टैश चेक ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन। नहीं नहीं, जो ड्यूटीज वगैरह यहाँ पे उनको बांटना चाहिए। दिस शुड बी आंसर, द आंसर इज सी इज है। नाउ समरी में आपको सेम मिल जाएगा। राइट, आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें गलत क्या बात है बताइएगा। इन ऑपरेटिंग सेविंग एंड करंट अकाउंट्स आर ए फ्रॉड प्रोन एरिया, जो कासा होता है वहां पे फ्रॉड का रिस्क होता है। राइट, आपको पता नहीं होगा लेकिन जो कासा अकाउंट होते हैं इसका मतलब जो बंद पड़े हैं, जो डोरमेंट है, वहां पर फ्रॉड का रिस्क भी होता है। जैसे कि उसमें वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन करी पूरे साल के अंदर, वो करी थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, फिर कोई ट्रांजेक्शन कर नहीं रहे, अकाउंट बंद पड़े हैं, तो यहाँ पे काफी रिस्क होता है फ्रॉड करने का। ये बात ठीक है, आपको चूज करना क्या बात गलत है इसके अंदर से। डेबिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट आर रिड्यूस फ्रॉम द एग्रीगेटेड डिमांड डिपॉजिट इन द बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक। राइट, ये गलत है, ये आपको रिड्यूस नहीं करना होता है। जो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है इन करंट अकाउंट के अंदर, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड डिपॉजिट है इन बैलेंस शीट, उसको आपको लेस नहीं करना होता है, नेट ऑफ नहीं करना होता है, आपको सेपरेट दिखाना होता है। द आंसर इज बी हियर बिकॉज ये वाला इनकरेक्ट बताया गया है यहाँ पर। बाकी पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट जो एक्र हो चुका है बट नोट ड्यू ऑन द डिपॉजिट शुड सेपरेटली शोन अंडर द हेड अदर लेबिलिटी एंड द प्रोविजंस, बिल्कुल ठीक बात है ये वाली। एंड द एफ सी एन आर फॉरन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट डिपॉजिट आर इन ए डेजिग्नेटेड फॉरन करेंसी ओनली, जो अकाउंट होते हैं ओनली फॉरन करेंसी में होने चाहिए। ये बात भी सही है यहाँ पर। ओके, आपको पता नहीं होगी, ये बात सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात गलत है यहाँ पर। अगेन जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, जो आपके बुक में नहीं होगा लेकिन एक क्वेश्चन एक्चुअल में होता है ऐसा, मतलब रियलिटी के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट, फिर ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ द स्टैचुरी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट एंड द एलएफएआर ब्रांच साइंड बाय द ब्रांच ऑडिटर मिस्टर सी ए महावीर। ओके, स्टैचुरी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू द स्टैचुरी सेंट्रल ऑडिटर एंड एलएफआर इज टू बी सबमिटेड टू द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक। नहीं जी नहीं, ये दोनों ही सबमिट की जाती है टू द जो हमारा होता है एससीए। राइट, स्टैचुरी ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू द सेंट्रल स्टैचुरी ऑडिटर एंड द एलएफआर इज टू बी सबमिट टू द आरबीआई। नहीं जी नहीं, कहां बोला गया है, जो उसकी रिपोर्ट है प्लस जो एल एफ ए आर है, ये दोनों सबमिट करेंगे हम सेंट्रल स्टैचुरेटर को यहाँ पे। ओके, द आंसर सी होगा यहाँ पे, आपको दिखा दूंगा नोट्स के अंदर जो टॉपिक है कॉन्करेंट ऑडिट वाला, शायद उसमें मिलेगा आपको। चलो छोड़िए, आपकी नोट्स में होगा, पढ़ लीजिएगा इसको। जो इसकी ब्रांच वाली होती है प्लस इसकी जो एल एफ ए आर होती है, दोनों सबमिट करनी होती है किसको, स्टैचुरी सेंट्रल ऑडिटर को सबमिट करनी होती है यहाँ पे। राइट, ओके, आगे चलते हैं यहाँ पे। सी ए मधुसूदन इज कंडक्टिंग द कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक, दिस इज ए केस स्टडी। ओके, यहाँ पे केस को रेफर नहीं किया गया है तो बेटर रहेगा पहले पूरे केस को पढ़ लेते हैं फिर आंसर को देख लेंगे इसके यहाँ पे। ओके, सी ए मधुसूदन इज ए कंडक्टिंग द कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक, इट इज ए लार्ज ब्रांच हैविंग डिपॉजिट ऑफ दिस मच अमाउंट, एडवांस ऑफ दिस मच अमाउंट, द डिपॉजिट ऑफ द ब्रांच कंसिस्ट ऑफ द टर्म डिपॉजिट अपार्ट फ्रॉम द कासा। तो यहाँ पर टर्म डिपॉजिट भी है, यहाँ पे कासा डिपॉजिट भी है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। इट इज एन ओल्ड ब्रांच इन ऑपरेशन सिंस द लेट 70s, तो काफी पुरानी ब्रांच है, देयरफॉर द मैनी डोरमेंट सेविंग करंट अकाउंट भी यहाँ पर जो बंद पड़े हुए हैं यहाँ पर, और टर्म डिपॉजिट भी है यहाँ पर, इसको आप एफडी बोल सकते हैं। ऑफ लेट द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बैंक हैज बीन पुशिंग फॉर द एग्रेसिव टारगेट फॉर ओपनिंग ऑफ कासा, तो बैंक वाले अकाउंट खुलवाने के पीछे पड़े रहते हैं,
he wants to ensure that the CASA deposit accounts opened by the branch during the terms comply with the KYC norms. So during the course of the concurrent audit of the particular month, he finds that the temporary over limits are granted to few borrowers availing the cash credit facilities up to 10%. जो इनसे ले रहे हैं कैश क्रेडिट फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की गई है यहां पर टेम्परेरी लिमिट 10% की ओवर देयर सैंक्शन लिमिट. ग्रांटिंग ऑफ द सच ओवर लिमिट फॉल्स विद इन द पावर ऑफ द चीफ मैनेजर. इसके पावर में था ये वाला. इट इज आल्सो नोटिस बाय हिम दैट द टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट आर फॉलो टू फ्यू कस्टमर इन देयर करंट अकाउंट. ओके, कुछ को ओवरड्राफ्ट भी अलाउड कर दिया गया यहां पर उनके करंट अकाउंट के अंदर. लेकिन जो ग्रांटिंग ऑफ दिस टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट है ये किसके कंट्रोल में है, किसी पावर में है? चीफ मैनेजर की पावर के अंदर है. राइट, आगे बढ़ जाते हैं. जो टेम्परेरी ओवर लिमिट है, ओवरड्राफ्ट है, एज डिस्कस अबव, हैव बीन एडजस्टेड एंड पेड बिफोर द एंड ऑफ द मंथ. राइट, इट इज फर्दर नोटिस दैट द ड्यूरिंग द सेम मंथ द ब्रांच हैज सैंक्शनिंग द 5 फ्रेश एडवांस फॉलिंग विद इन द पावर ऑफ चीफ मैनेजर पावर एंड कंफर्मिंग द बैंक नॉम एग्रीगेटिंग टू 10 CR. तो 5 यहां पर उन्होंने फ्रेश एडवांस भी दिया है यहां पर इसकी पावर के अंदर. सो ऑल दिस एडवांसेस परटेन टू द सेम इंडस्ट्री. ओके, जो कौन सी है? जूट मिल्क इंडस्ट्री है. उसको लग रहा है कि दैट द ब्रांच अप्रोच इज नॉट प्रॉपर, द सेक्शन ऑफ द 5 एडवांटेज टू द सेम इंडस्ट्री लैक्स डाइवर्सिटी. वो कह रहे हैं कि इनको अलग अलग को बांटना चाहिए, सभी सारे लोग एक इंडस्ट्री को दे रहे हैं, गलत रहेगा यहां पर. ऐसा कुछ गलत नहीं है, दे सकते लोन, लोन देने में क्या गलत है यहां पर. ही फर्दर नोटिस दैट द ड्यूरिंग द मंथ वन बोरोवर ऑफ द ब्रांच फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल एंटरप्राइज MSME सेक्टर हैज शिफ्टेड इट्स क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द ब्रांच टू ए बैंक इन प्राइवेट सेक्टर. द ब्रांच हैज लेविड द 4 क्लोजर चार्जेस. उसने अपना जो अकाउंट था वहां ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो इसमें जो अकाउंट है वो बंद नहीं हुआ और ब्रांच ने लेवी कर दिया उसके ऊपर 4 क्लोजर चार्जेस, कि अकाउंट बंद करने के चार्जेस लेवी कर दिए उसके ऊपर. ये गलत किया, लेवी नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि अकाउंट बंद नहीं हुआ ये वाला. ओके, उन्होंने इग्नोर किया जो बैंक का यहाँ पे थी कमिटमेंट फॉर द MSME अकाउंट, उन्होंने यहाँ पर चार्ज कर दिया है 4 क्लोजर फीस यहाँ पे, जो गलत चार्ज कर दिया गया है. द बोरोवर इज स्टिल हैविंग द अकाउंट विद द ब्रांच. द रिवर्सल ऑफ सच चार्जेस वुड लीड टू रिवेन्यू लॉस फॉर द ब्रांच. अगर उसको हम रिवर्स करते हैं तो ब्रांच को रिवेन्यू लॉस होता है, तो रिवर्स तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे. He is in a far as reporting is concerned. चलिएगा क्वेश्चन देख लेते हैं. As regard to dormant deposit account in the branch, which of the following is not part of the duty of the concurrent auditor? Deposit dormant account की बात की जा रही है यहां पर. Verifying the dormant account is reviewed with the appropriate authority. जो हमारे थे dormant account यहां पर कासा वाले, इनकी बात की जा रही है. चलिएगा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं. वेरीफाई दैट द डोरमेंट अकाउंट आर रिव्यूड विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. एग्जामिनिंग द ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉवल. फॉलो अप द विद द अकाउंट होल्डर टू एंश्योर द स्टेटस ऑफ द अकाउंट्स रिमेन एक्टिव. तो पूछ रहे हैं कि वो क्या काम नहीं करेगा इसके अंदर से. हम वेरीफाई करेंगे कि जो डोरमेंट अकाउंट है उसको रिवाइव किया गया है बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. जैसे करेंगे हम एग्जामिन करेंगे उससे कोई विड्रॉवल की गई है, बिल्कुल ठीक है. हम फॉलो अप करेंगे विद द अकाउंट होल्डर्स. हम एक को फोन करेंगे, भाई तूने अकाउंट तेरा रिवाइव कर दिया गया है, तू रिवाइव करवा नहीं रहा, तेरा अकाउंट बंद पड़ा है. हम क्यों फोन करेंगे? जो ऑडिटर है वो फोन थोड़ी करेगा हर एक अकाउंट होल्डर को यहां बैठा. तो ये एक्शन हम यहां पे नहीं लेंगे. ओके, हर एक पर्सन को फोन करना अकाउंट होल्डर को, ये काम हमारा नहीं होता. तो सी आंसर यहां पर होगा. Verify that the dormant accounts at the branch aging more than 10 years have been transferred to the deposit education and the wellness fund. Yes, ये भी transfer करना होता है. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. C वाला इसका answer होगा. Now, the concurrent auditor wants to ensure that the fresh CASA account जो open हुए bank के अंदर are KYC compliant. जो KYC से comply किया गया यहाँ पर. तो क्या best रहेगा इसके अंदर से, इन पॉइंट के अंदर से? द बेसिक पर्पज ऑफ सच गाइडलाइंस इज टू वीड आउट द डुप्लीकेट कस्टमर एट द सेम ब्रांच. ओके, वो अपने झूठे अकाउंट खुलवाने बैठे यहां पर, तभी वो यहां पे केवाईसी करते हैं. तो आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा. सच
सच गाइडलाइंस कंटेन द डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक टू अनेबल द टू अनेबल देम टू ड्रॉ ए थ्री स्टेट डिग्री क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर बाय मॉनिटोरिंग द ट्रांजेक्शंस इट्स प्राइमरी पर्पज इज असिस्टिंग द बैंक इन मेकिंग द प्रूडेंट क्रेडिट डिसीजन। कि हमको हेल्प करेगा कि कस्टमर की जो प्रोफाइल है उसका पूरा एक ओवरव्यू लेने के लिए राइट, ताकि उसको हम बाद में लोन वगैरह दे रहे हैं तो हमें उसे डिसाइड करने में हेल्प करे कि इसको लोन देना है नहीं देना। नहीं, दोनों पर्पज ही गलत है यहां पर राइट। सच गाइडलाइंस हैव ए बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग द क्रेडिट ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन अकाउंट। ये क्या होता है, जैसे किसी को भत्ता मिल रहा होता है ना, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा होता है, या फिर जो होते हैं बीपीएल लोग होते हैं उनके अकाउंट पैसे वगैरह आते हैं, उसके लिए करते हैं केवाईसी? नहीं, इसके लिए भी नहीं करते। डी क्या बोल रहा है, सच गाइडलाइंस कंटेन द डिटेल रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर एक्सेप्ट पॉलिसी, कि कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है पॉलिसीज को बैंक की। यहां पर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कि कस्टमर एक्चुअल वही है जिसका अकाउंट खोला जा रहा है, यहां पर झूठे अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने के लिए कि क्या उसमें ट्रांजेक्शन की जा रही है, एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ केवाईसी राइट। आपको ध्यान रखना है या फिर डी आंसर होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एज रिगार्ड टू द रिपोर्टिंग ऑफ द मैटर्स रिलेटिंग टू द टेम्परेरी ओवर लिमिट इन द कैश क्रेडिट अकाउंट एंड द टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट। ओके, यहां पे उन्हें एक्स्ट्रा लिमिट मिल गई है, यहां पे जो ओवरड्राफ्ट दिया जा रहा है करंट अकाउंट वाले को, तो क्या इसमें एप्रोप्रिएट रहेगा? आपको चूज करना नीचे वाले पॉइंट में से। द सैड इंस्टांसिस कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज द दिस फॉल्स इन द पावर ऑफ चीफ नेचर, कि उनकी पावर में फॉल करते हैं, हमको इसको रिपोर्ट नहीं करना। नहीं, द सैड इंस्टांसिस कैन बी रिपोर्टेड इन मंथली कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट, नो डिस्कशन इज नेसेसरी विद द चीफ मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंश्योर सेंसिटी ऑफ द रिपोर्ट। इसको हम रिपोर्ट मेंशन कर सकते हैं इन द कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन जो उसे डिस्कस करना है वो जरूरी नहीं है यहां पर। द सैड इंस्टांसिस कैन बी रिपोर्टेड इन द मंथली कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट, और साथ में डिस्कस भी करना पड़ेगा यहां पर। द सैड इंस्टांसिस कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज दिस फॉल्स इन द पावर ऑफ चीफ मैनेजर, ये तो गलत है, रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। कहां पर रिपोर्ट होगा? अंडर द कंटेंट ऑडिट होगा, प्लस हमें साथ में डिस्कस भी करना होगा। अगेन दिस इज ए जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, द आंसर इज सी हियर। आपको दिखा भी देता हूं जो हमारा टॉपिक है फॉर द कंटेंट ऑडिट। यहां पे आपको रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या कवर होता है, कोई आपको इरेगुलेटरी मिल रही है, कोई आपको सीरियस इरेगुलेटरी मिल रही है, तो आपको सबको रिपोर्ट करना होता है टाइमली मैनर के अंदर राइट। इनकी ड्यूटी होती है टू द कंटेंट ऑडिटर की यहां पे राइट, फॉर द कंटेंट ऑडिट के अंदर। चले ना नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नो मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द सैंक्शन ऑफ फ्रेश लोन्स टू द बोरोवर इन द सेम इंडस्ट्री। अगर हम लोन दे रहे हैं, फ्रेश लोन दे रहे हैं सेम इंडस्ट्री को, तो ओके है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। सच लैंडिंग लैक्स डाइवर्सिटी एंड नीड टू बी रिपोर्टेड विदाउट फेल, कोई दिक्कत नहीं है, लोन देना अलाउड है। अगर हम लोन दे रहे हैं एक इंडस्ट्री को, ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि हमने खाली एक को देना, सबको देना है यहां पर। ओके, कुछ होते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, वहां देना फिक्स होता है। ओके, लेकिन हम यहाँ पे सेम इंडस्ट्री को और दे रहे हैं, तो इसमें देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच ए लैंडिंग इंक्रीज द क्रेडिट रिस्क फॉर द ब्रांच एंड नीड टू इमीडिएट एक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी ऑफ बैंक। लैंडिंग हैज बीन मेड विद इन द चीफ मैनेजर पावर, इट डज नॉट फॉल इन द कॉन्करेंट ऑडिटर डोमेन टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लैंडिंग डिसीजन फॉर बैंक नोम राइट। इसकी पावर में रहता है, अगर वो लोन दे रहे हैं सेम इंडस्ट्री को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे। ऑल द लैंडिंग हैज बीन मेड, उसकी पावर में हुई है, बट द ब्रांच शुड हैव रिपोर्टेड द हाई अथॉरिटी, कोई यूज नहीं है यहाँ पर, देना अलाउड है यहाँ पे, सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज रिगार्ड टू द मैटर ऑफ लेविंग ऑफ फोरक्लोजर चार्जेस, जो जो अकाउंट बंद कर लिया ना यहाँ पर, जिन्होंने अकाउंट ट्रांसफर कर दिया किसी और के अंदर, अकाउंट बंद नहीं होता है वाले का, तो उन्होंने चार्जेस लगा दी गई, गलत लगाए हैं। सो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द कंटेंट ऑडिटर, द मैटर शुड बी रिपोर्टेड इवन दाउ इट लीड टू द रिवेन्यू लॉस। ओके, रिपोर्ट तो करना पड़ेगा चाहे हमारे को रिवेन्यू लॉस हो रहा हो, बिल्कुल ठीक बात है। द मैटर शुड नॉट बी रिपोर्टेड, गलत, शुड बी रिपोर्टेड ओनली फॉर द डिसरिगार्डेड ऑफ द कोर्ट विदाउट हाईलाइटिंग द रिवेन्यू इंपैक्ट, दोनों बताना पड़ेगा यहाँ पे। द मैटर कंसर्न ब्रांच मैनेजमेंट डिसीजन, ये भी गलत है, रिपोर्ट करेंगे चाहे उसे लॉस हो रहा हो रिवेन्यू का, द आंसर इज
ए है, राइट। अच्छी केस स्टडी थी, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे हमारी लिमिट बेस समरी के अंदर, इसको आप यहां से पढ़ सकते हैं, राइट। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो खाली आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, आपको पूरा केस पढ़ने की कोई नीड नहीं है, जो हमने यहाँ पे रख लिया क्वेश्चन का, हमने केस में रख लिया ऊपर वाली केस में से, राइट। तो आपको मिलेगी सेम अंडरस्टैंडिंग, आपको मिलेगी सेम अंडरस्टैंडिंग बाय सेविंग योर टाइम। आते हैं हमारी नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, यहाँ पे हम देखिएगा, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द गुड बैग लिमिटेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। देखिएगा, द ऑडिटर ऑफ एंड द मैनेजमेंट हैड ए सर्टेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज टू द अमाउंट एंड द आइटम विच नीड टू बी डिस्क्लोज अंडर द हेड ऑफ द कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑडिटर हैड रिजर्व ऑब्जर्व दिस फॉलोइंग। ये बातें की जा रही है, 79 एग्रीकल्चर लोन है जो ग्रंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट बोल सकते हैं आप इसको, यूटी बोल सकते हैं, तो स्टेट यूटी गवर्नमेंट है यहाँ पे। कितने का लोन था, 26 लाख का था, तो कितने का गारंटी दिया है, और जो ओवरड्यू मोर देन 2 ईयर्स है तो हमारा ये एनपी हो जाएगा। 93 गारंटी लोन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एग्रीकल्चर लोन है 32 लाख रुपीज के, जो ओवरड्यू मोर देन द 2 ईयर्स है, यस एनपी नहीं करना इसको। एक कॉर्पोरेट लोन है यहां पर जो गारंटी 3 ईच है, ये अमाउंट हमारी एग्रीगेट अमाउंट है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो ये वाले 3 ईच है, 29 लाख के 3 ईच है, यहाँ पर 3 लोन है यहाँ पर, जिसको गारंटी नहीं किया है यहाँ पर एसजी ने भी और सीजी ने भी, मतलब 3 एसजी वाले हैं 3 सीजी वाले हैं, जो सीजी वाले हैं वो तो एनपी नहीं होंगे, जो एसजी वाले एनपी हो जाएंगे, मीन्स 29 लाख इंटू में 3 ये एनपी हो जाएंगे, प्लस ए 26 लाख प्लस में 29 लाख वाले 3 ये एनपी हो जाएंगे। तो इसमें से क्या एनपी होगा, 26 लाख एसजी वाले प्लस 29 लाख इंटू में 3, 3 अकाउंट है, 3 लोन है यहां पर, ओके। यहां देखिएगा समरी के अंदर 26 लाख प्लस में 29 इंटू में 3 लाख कितना हो गया, 87 कितना हो गया, 113 लाख हो जाएगा इसका आंसर। द लोन ग्रांटेड बाय द सीजी एग्जम्पशन मिलती है इनको एनपी क्लासिफिकेशन से, तो क्लासिफाई इसको नहीं करना है, इनको कर देंगे, दी एंड, द आंसर इज 113 लाख। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, 113 लाख सी आंसर इज हियर, ओके। सो आज के इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, गुड बाय।